हेलो नमस्कार मेरे प्यारे चेस के भाइयों बहनों, हमने अभी तक लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, 4 देखे हैं। आज मैं आ रहा हूँ लेसन नंबर 5 लेके। आप में से कहीं दर्शकों के मुझे कई फ़ोन भी आए हैं और ईमेल भी आए हैं, आपके व्यूज़ भी लिखे हुए हैं, तो इसमें कई दर्शकों को जानने की इच्छा है कि टूर्नामेंट कैसी खेली जाती है। वैसे तो हमारे लेशन खत्म नहीं हुए, लेकिन बीच में टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा गाइडलाइन दे देता हूँ। ये टूर्नामेंट चेस के लिए तीन प्रकार की टूर्नामेंट खेली जाती है। पहला है नॉकआउट। नॉकआउट में विनर्स खेलते हैं, लूजर्स खेलना बंद कर देते हैं, वो घर पे चले जाते हैं। जो जीतता है वो आगे बढ़ता है, वो हारता है वो बैठ जाता है। सेकंड नंबर इज स्विस सिस्टम। स्विस सिस्टम में जितने खिलाड़ी होते हैं उसके ऊपर राउंड फिक्स किए जाते हैं और विनर्स विनर्स खेलते हैं, लूजर लूजर खेलते हैं, फिर और राउंड के बाद फिर विनर्स और लूजर, विनर्स और लूजर, विनर्स और लूजर, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट लेता है वो विनर होता है। एंड थर्ड वन इज द राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में सपोज 10 पार्टिसिपेंट्स है तो हर एक खिलाड़ी हर एक के साथ खेलता है। राउंड रॉबिन तो बहुत हाई लेवल पे ही खेली जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पर है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्विस सिस्टम प्रीफर की जाती है। अगर छोटा तहसील है या छोटा सा ब्लॉक है या कोई छोटी सी संस्था है, उसमें खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट करनी है, एंजॉयमेंट के लिए करना है, तो वो नॉकआउट सिस्टम में करते हैं। तो नॉकआउट सिस्टम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। नॉकआउट सिस्टम में खिलाड़ियों की जितनी भी संख्या है उसको 4 के गुणांक में बना देते हैं। सपोज 12 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेंट्स किया है तो 12 के 16 बना देते हैं, 4, 8, 16, ऐसे 4 के गुणांक में ही खिलाड़ी को खेलते हैं। देखो यहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो है एक खिलाड़ी के लिए, सॉरी 7 खिलाड़ी के लिए, तो 7 का मैंने 8 बना दिया है। ए बी सी डी ई एफ और जी नाम के 7 खिलाड़ियों के लिए मैंने यहां राउंड बना के रखा है, तो 7 के मैंने 8 बना दिए हैं। तो पहला और दूसरा ए और बी खेलेंगे, सी और डी खेलेंगे, ई और एफ खेलेंगे और जी को बाय मिलता है, मींस जी अपने आप आगे खेलने के लिए चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी में से ए जीता है, सी और डी में से सी जीता है, ई और एफ में से एफ जीता है और यहां जी जीत के आ गया है। अभी ए और सी में से ए जीतता है और ई और एफ और जी में से जी जीतता है, तो ए और जी खेलते हैं और ये राउंड के अंत में ए जीतता है तो ए विल बी विनर एंड जी विल बी रनर सब। तो ये हुई हमारी नॉकआउट सिस्टम। अभी मैं हमारे दूसरे नंबर की सिस्टम है स्विस टैप, स्विस सिस्टम। तो स्विस सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी है, 50 है, 100 है, 200 है, तो उसके राउंड फिक्स किए जाते हैं। अभी तो पहले क्या था, ऐसे कार्ड थे, कार्ड में खिलाड़ी का नाम और उसका नंबर लिख देते हैं और उसके बाद
उसका राउंड नंबर, उसका कलर। स्विस सिस्टम में क्या होता है, हारने वाला घर नहीं जाता है, उसको बार बार खेलना है। एक राउंड हार गया तो भी आगे जाके वो जीत सकता है। देखो यहां मैंने एक राउंड 20 प्लेयर्स के लिए मैंने 5 राउंड फिक्स कर दिए, और यहां मैंने पहला राउंड फिक्स कर दिया है। ये राउंड में, ये राउंड हो जाने के बाद उसकी नोंद ये कार्ड में हो जाती है। फिर जो भी जीतता है, सपोज यहां एक नंबर जीता है, यहां 12 नंबर जीता है, फिर 13 जीता है, फिर 4 नंबर जीता है, 5 नंबर जीता है, 16 जीता, 17 जीता, 8 जीता, 9 जीता और 20 जीता, उसका ये कार्ड में नोट डाउन करके जिसके जीता है उसको एक पॉइंट मिलता है, ड्रॉ होता है उसको आधा पॉइंट मिलता है, और हार जाता है उसको 0 पॉइंट मिलता है। तो इसमें से जो रिजल्ट मिलता है उसमें एक पॉइंट वाला के लिए दूसरा राउंड खेला जाता है। यहां मैंने लिखा है विनर वर्सेस विनर, तो एक एक पॉइंट वाले के लिए एक राउंड बार बार में, और लूजर वर्सेस लूजर, तो 0-0 वाले के साथ खेलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो कार्ड के मुताबिक ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें एक है, एक खिलाड़ी को 3 बार व्हाइट नहीं मिलता, 2 ही बार व्हाइट मिलते हैं, तीसरी बार उसको कंपलसरी ब्लैक मिलता है। वैसे तो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, एक गेम ब्लैक से मिलती है व्हाइट, और ब्लैक व्हाइट के सामने खेलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। 5 राउंड जो भी फिक्स किया है वो राउंड के अंत में जिसको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं उसको विनर जाहिर करते हैं। और अभी तो आप लोगों को बताओ, इसके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आ गए, स्विस 44 एंड स्विस मैनेजर, दिस टू आर द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। वो आपको ये चेस वालों, जो चेस का सामान बेचते हैं, चेस क्लॉक वगैरह जो बेचते हैं, उसके पास से आपको इसका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और लास्ट में है राउंड रोबिन। तो राउंड रोबिन में मैंने समझाया है, समझो 10 खिलाड़ी है, तो 5 खिलाड़ी को व्हाइट मिलेंगे, 5 को ब्लैक मिलेंगे, फिर पहला और छठा, दूसरा और सातवां, तीसरा, और जैसे यहां ये है तो इसमें ये 5 राउंड है, तो यहां खेलेगा छठा सातवां आठवां नौवां और दसवां, फिर चेंज हो जाएंगे, यहां से एक एक नीचे उतरते जाएंगे, ये ब्लैक वाला ये व्हाइट वाला ब्लैक में आ जाएगा, फिर एक राउंड नीचे उतरेंगे, फिर ये यहां आएगा, इससे राउंड पूरा राउंड खेलेंगे। हर एक खिलाड़ी के साथ खेलेगा, और जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा उसको विनर किया जाता है। वो सिस्टम में भी विनर को एक पॉइंट मिलता है, ड्रॉ होती है तब हाफ पॉइंट मिलता है, और लूजर को 0 मिलता है। उसकी भी नोट ऐसे ही कार्ड में की जाती है। अभी ये जो आप लोगों में से कई दर्शकों ने पूछा था कि टूर्नामेंट कैसे की जाती है, छोटे गांव में आर्बिटर नहीं होते, वैसे तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ये आर्बिटर की एग्जामिनेशन भी लेता है, उसकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एग्जामिनेशन के बाद उसको आर्बिटर का खिताब दिया जाता है, वो हर एक कंट्री में ऐसा होता ही है। तो अभी हम आगे जाएंगे हमारी फिर चेस की बात के लिए, ये टूर्नामेंट की बात खत्म करके मैं फिर से आ जाता हूँ हमारी चेस की बात में।
मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही इसके सब प्रिंसिपल्स थोड़े दिए हुए थे, तो उसमें थर्ड नंबर का मेरा प्रिंसिपल है कि बिन जरूरी क्वीन को ओपनिंग में बाहर निकालना नहीं है। हम फर्स्ट 12 to 15 मूव तक उसको हम ओपनिंग बोलते हैं, तो फर्स्ट 15 मूव में हमें पोन का चलना है, सेंटर का ख्याल रखना है और हमारे ऑफिसर का डेवलपमेंट करना है। तो कई लोग उसको एवॉइड करते हैं, तो एवॉइड करने वाले की क्या हालत होती है उसकी एक गेम आपके ध्यान में देना चाहता हूं। तो ये गेम देखकर अगर आपको पहले क्वीन निकालने की आदत होगी तो वो निकल जाएगी। आप ध्यान से एक गेम देखिए, मैं एनालिसिस करते करते ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो व्हाइट की मूव होती है, तो व्हाइट अपना ओपनिंग करता है F4 से, ब्लैक वाला चलता है E5। ये F क्रॉस ये मार लेता है। अभी ब्लैक को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी कुछ पा लूंगा, तो हमारे नियम के विरुद्ध ब्लैक वाला H4 से चेक देता है। ऑब्वियसली व्हाइट के पास एक ही मूव है, उसका किंग तो चल नहीं सकता, वो पोन आगे बढ़ाएगा। अभी क्वीन को, अरे क्वीन को बचना है तो वो यहां बचता है। ब्लैक वाला क्या सोचता है, आइदर मैं रुक को मार लूंगा, अगर रुक बचाएंगे तो मैं पोन को मार लूंगा। लेकिन व्हाइट प्रॉपर आंसर देता है NF3 चलने से ये रुक का भी बचाव हो गया और पोन को भी नहीं मार सकता। ब्लैक वाला को, ब्लैक वाला NC6 चलता है। NC6 चलने से अपना डेवलपमेंट तो करता है, रुक नाइट को बाहर निकलता है और ये पोन जो प्रोटेक्ट करता है। अभी क्या करेगा, पहले ये पोन को मारेगा, फिर नाइट से नाइट मारेंगे तो ये क्वीन से मार लेगा। अभी व्हाइट की मूव है, व्हाइट चलता है NC3 बोलता है अपने आप ये मारेंगे तो पहले हम क्वीन को मारेंगे, क्वीन को भगाओ यहां से। तो ये क्वीन एक ही मूव पीछे जाता है, अपना अटैक चालू रखता है। फिर व्हाइट वाला अगेन ये QF5 में चलता है, तो व्हाइट अगेन अटैक करता है E4 चलने से फिर उसको बचना है। ये बचकर यहां चलता है E6 में, तो अगेन व्हाइट वाला चलता है D4। देखो जो खिलाड़ी समझदार होगा उसको पता चल गया होगा कभी व्हाइट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। वो पोन आगे बढ़ाएगा और दो में से एक को कैप्चर होना पड़ेगा, तो इसलिए ब्लैक को भी पता चल गया, ब्लैक ने अपना क्वीन बचा लिया। व्हाइट फिर अगेन इसके ऊपर अटैक करता है BG5 चलकर। BG5 अपने ये नाइट के जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, फिर इस अगेन ये भागता है। अगर ये इसको यहां आगे बढ़ाएगा तो पोन पोन को कैप्चर करेगा, ये इसको कैप्चर करेगा, बाद में
इसको भी कैप्चर कर सकता है और नाइट के जोर से नाइट को हटाकर चेज देगा और अपनी पूरी गेम खुली हो जाएगी। इसके लिए वो अपने बचाव में यहां चलता है व्हाइट के नाइट को पीन बनाने के लिए। नाउ अगेन व्हाइट क्वीन के ऊपर अटैक करता है कि चलो भाई यहां से भी भागो। तो अभी ये क्या सोचता है कि अभी तो इसको मार नहीं सकता, यहां नहीं चल सकता क्योंकि यहां ये बैठा हुआ है, यहां भी नहीं चल सकता, यहां घोड़ा बैठा हुआ है, एक यहां बैठना है और एक इसको मारना है। दो मूव है इसके पास। तो ब्लैक विल प्रीफर और इसको ऐसा लगा कि मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, नाइट को मारकर चेक दूंगा, या तो आपको चलना पड़ेगा या अपनी क्वीन बीच में रखेंगे तो डुक को मार लेंगे। वही लालच में वो वहां चलता है, लेकिन वाइट इसका अच्छी तरह डिफेंस करता है, उसके ऊपर अटैक करता है क्वीन के ऊपर। क्वीन के ऊपर अटैक होने से अभी क्वीन को बचना भारी हो गया है। देखो क्वीन किधर भी चल नहीं सकता, इसको मारेगा तो रूक इज देयर, इसको नहीं मार सकता, यहां नहीं चल सकता, यहां पॉन बैठा हुआ है, यहां बिशप बैठा हुआ है और यहां अगेन नाइट बैठा हुआ है और लास्ट में क्वीन को रूक ही मारना पड़ेगा और रूक मारकर संतोष लेना पड़ेगा एंड क्वीन विल कैप्चर इट्स रूक क्वीन। देखो मैंने मेरे पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने समझाया था कि शुरू में हमें क्वीन निकालना नहीं है। ये गेम में क्या हुआ, वाइट का पूरा डेवलपमेंट हुआ, शुरू से दूसरी चाल से ही ब्लैक वाला अपने क्वीन को बचाने में क्वीन खोना पड़ा और ना तो अपने गेम का कुछ डेवलपमेंट कर पाया। तो ऐसे टॉपिक लेके मैं अगेन में आऊंगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर, हमारा ये सिस्टम आपको पसंद आई है तो हमारे यहाँ नीचे आपकी राय भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगली बार कुछ नया टॉपिक लेकर आप भी अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं कि मुझे इसके बारे में लेक्चर दो, इसके बारे में लेक्चर। हाँ कई लोग मुझे भी आप मुझे टिप्स दो ऐसा आता है। चेस के अंदर ओपनिंग थोड़ा सिखा सकते हैं, एंड गेम सिखा सकते हैं, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, आपको जो जानने की इंतजार है, एक कोई गुप्त चाल हमें दिखा दो तो हम सामने वाले को मार सकते हैं, उसको मात कर सकते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी अपने दिमाग से, अपनी टैक्टिक से ही कर सकता है। वी हम तो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं। फिर यहां मेरे ये लेसन नंबर 5 को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।